नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। एक तरफ कोरोना के साथ देश लगातार लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माओवादियों का भी तांडव देखने को मिल रहा है। खबर पलामू से है, जहां पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल झारखंड के पलामू में माओवादियों का कहर देखने को मिला है और माओवादियों ने कई मशीनों को आग के हवाले कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते रात माओवादियों ने उत्पात मचाया है, जहां सिद्धार्थ क्रशर प्लांट में धावा बोलकर 12 से 13 हाईवे को आग के हवाले कर दिया गया है और इस दौरान क्रशर प्लांट को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। पिपरा थाना क्षेत्र के चपरवार की ये घटना बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद एसपी अजय लिंडा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, तमाम जानकारियां इकट्ठी की और उसके बाद सर्च अभियान पर वो निकल पड़े हैं। और फिलहाल बताया ये जा रहा है कि सर्च अभियान चल रहा है, उन माओवादियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस घटना के अंजाम देने के बाद गांव में फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। एक तरफ तो कोरोना का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ माओवादियों के इस तरीके से हरकत लोगों में डर का माहौल व्याप्त कर रही है। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि जल्द से जल्द इन माओवादियों की गिरफ्तारी की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को भी लाइक करें और खबरों से अधिक अपडेट रहने के लिए, खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।